इस्लाम की मेन बात सुन रहे हो। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में और ये डेवलपमेंट जो मंजरनामा है उसको बदल कर रख देगी। ये डेवलपमेंट है नए सियासी इत्तेहाद की। अभी आप सोच रहे होंगे कि नया सियासी इत्तेहाद, अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, किसी ने किसी के साथ इत्तेहाद किया नहीं है, तो अब ये कौन सा नया सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है? जो इत्तेहाद होने जा रहा है उसकी तैयारी बड़े अरसे से चल रही थी और वो बिल्कुल नजर आ रहा था कि ये सारा कुछ जाकर इलेक्शन से पहले होगा और इंतखाबात के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ जो डिजाइन किया गया है वो उस तरह नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उसके बरक्स होगा। एक तो ये मामला है, मतलब बड़ी खबर है, बताता हूं उस पर। और दूसरा जनाब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। एक और फर्द जुर्म, फर्द जुर्म पर फर्द जुर्म, फर्द जुर्म पर फर्द जुर्म, यानी वो जो था ना कि इमरान खान साहब बड़े अरसे तक बाहर नहीं आ सकते, जिस चीज़ का इम्कान था, कहा जाता था कि खान साहब लंबे अरसे के लिए गए, वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो डेवलपमेंट हुई है, पहले मैं उस पर बात करता हूँ, जो बड़ी खबर है ना वो उस पर मैं आता हूँ। वो बड़ी खबर बहुत ही क्या कहते हैं तहलका खेज भी है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। लेकिन अभी जो रूटीन की डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि इंसान दहशतगर्दी की अदालत है इस्लामाबाद की और उसके जज हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, अडयाला जेल में हुई है समाअत। मुकदमात हैं 9 मई को लेकर GHQ हसास तनसीबात पर हमले, कोई 12 चालान पुलिस ने पेश किए शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ और उनमें अदालत में वो चालान पुलिस के कर लिए मंजूर और फैसला कर लिया गया है कि 6 फरवरी को इन दोनों पर फर्द जुर्म आयद होगी। अब 6 फरवरी जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट दिन है। 6 फरवरी को सियासी गहमा गहमी जो है ना उसमें एक आएगी ब्रेक, ठहराव आएगा 6 फरवरी की रात 12 बजे से पहले। जिसने जो जलसा करना है, जिसने जो तकरीर करनी है, जिसने जो भाषण देना है जाकर दे दे। 6 फरवरी के बाद सोशल मीडिया पर लगे रहें, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ कर लें, लेकिन इलेक्शन कैंपेन आप नहीं कर सकते। पाबंदी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये रूल्स में पाबंदी लगती है, 24 घंटे पहले सारा कुछ वाइंड अप कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो 6 फरवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होगी। यानी उधर से सियासत सियासी जो है वो गहमा गहमी जो है वो मुकाबलेबाजी वो उसका पहला मरहला ख़त्म होगा और आखिरी राउंड जो पोलिंग डे है उसके लिए सारी पार्टियाँ चली जाएंगी अपनी पोलिंग स्कीम की तरफ। पोलिंग एजेंट्स कौन होंगे, कितनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो बंदोबस्त कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ अपना पोलिंग स्टेशन बने हैं, तो ख्वातीन में हमने किसको एजेंट बनाना है, मर्दों के पोलिंग स्टेशन में किसको एजेंट बनाना है, किसको वोटर निकालने की ड्यूटी देनी है, किसको ये ड्यूटी देनी है कि वो मुखालिफ की दांधली जो है उसको रोक सके, किसको ये ड्यूटी देनी है कि वो जनाब रिजल्ट का जो फॉर्म होता है वो ले ले, ये सारा कुछ ये हो रहा होता है। और उसी दौरान इमरान खान साहब जो है वो अदालत के कटहरे में खड़े होकर 6 फरवरी को और शाह महमूद कुरैशी यानी कप्तान और नायब कप्तान दोनों अदालत के कटहरे में खड़े होकर सुन रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया है, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, किस तरह उन्होंने 9 मई को रियासत के खिलाफ जत्थाबंदी की, किस तरह उन्होंने हमले करवाए। जो जाहिर है चालान यही होगा ना कि ये जनाब इमरान खान साहब ने लोगों को उकसाया, इमरान खान साहब ने लोगों को तैयार किया, जत्थे तैयार किए, रोज़ाना तकरीरें करते थे, वो कहते थे कि जी अगर मुझे कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार जो है फ़ौज होगी। उन्होंने जहन साजी की लोगों की, शाह महमूद कुरैशी ने जहन साजी की, क्योंकि इमरान खान को मास्टर माइंड करा दिया गया 9 मई के वाक़ात का। तो ये इमरान खान के ऊपर इस तरह की जो है वो चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरा फिर इमरान खान उसका उसको सेहत जुर्म का इकरार करते हैं तो मुकदमा कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, सेहत जुर्म से इनकार करते हैं और फिर अदालत में मुकदमा कार्रवाई चलेगी, तो फिर गवाह पेश होंगे, जरा होगी, या एक और तरीका जो PTI का और इमरान खान का हमेशा रहा है वो ये कि वो ये करेंगे कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले जाएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाकर कहेंगे जनाब ये मुकदमा रोक लें, जिस तरह साइफर का मुकदमा 2-3 बार रोका गया, जिस तरह गैर शरई निकाह वाला मामला है वो रोका हुआ है अदालत ने, तो इसी तरह इससे पहले भी तोशाखाना वाला जो मामला था जो इलेक्शन कमीशन और अपना शाहनवाज मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की दरख्वास्तों पर जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई है उस मुकदमे को भी बार बार रोका गया था। वह उस वक्त भी कहता था कि रुकवा कर इमरान खान ने गलती की थी, जब तक
उमर अदा बघेल साहब थे तब तक इमरान खान कोशिश करते कि उनका फैसला हो जाए, और फिर अगर उनके खिलाफ फैसला है तो वो अपीलों में जाकर और अपना रियायत ले लें और दे दीते जाहिर है रियायत उमर अदा बघेल साहब। बहरहाल उन्होंने वो गलती की, तो अब इस तरह इसको भी वो चालान सामने आने के बाद या मुमकिन है चालान पेश अपना फर्ज जुर्म सामने आने के बाद या मुमकिन है फर्ज जुर्म आयद होने से पहले ही इमरान खान साहब के वकील चले जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और स्टे ले आए, मिल सकता है स्टे किसी भी ग्राउंड पर। शेख रशीद साहब बीमार हैं जेल में और उनको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया गया था और उनको फिर उनका तबी मायने के बाद उनको वापस जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों का कहना ये है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डॉक्टरों ने कहा है कि जी उनको सीने में शदीद तकलीफ है और उनको 24 घंटे निगहदाश्त की ज़रूरत है, तो उनको अस्पताल में ही रखें, जेल मुंतकिल ना करें। लेकिन जेल हुकाम ने कहा कि नहीं, हम अस्पताल जेल के अस्पताल में भी इनका की अच्छी निगहदाश्त कर सकते हैं, अच्छी तीमारदारी इनकी होगी और अच्छा इलाज होगा, तो लिहाजा हम इनको वहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ले गए मुंतकिल कर दिया। तो अफसोस होता है ये देखकर, शेख रशीद साहब जैसे लोग लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे, शेख रशीद जैसे लोग सियासी मुखालफीन को हर सूरत नीचा दिखाने के लिए खुद इतना नीचे गिर जाते कि लोग उनके ऊपर, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या करते हैं जो गिर जाए उनके ऊपर, तो वो लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, खुद ही बताते खुद ये कीचड़ उछालते थे, खुद ही लितड़े होते थे कीचड़ में लोगों की ज़ात पर, किरदार पर, मतलब तरह तरह की बातें, बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेकर नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो तक कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं रहा जिसको इमरान खान ने अपने आका को, वो जो सियासी आका या फिर GHQ वाले गेट नंबर 4 वाले जब भी वो सियासत में मुदाखलत करते थे, उनको खुश करने के लिए उन्होंने क्या क्या गंद नहीं खोला। और फिर बीमारियों का मजाक, रिंग पिस्टन बैठ गए, नवाज शरीफ का ये हो गया, फलां का ये हो गया, मतलब अब वो अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अगर वो वाकईतन बीमार है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे इनको निगहदाश्त की ज़रूरत है, तो अगर वाकईतन ऐसी सूरत हाल थी तो फिर चाहिए ये था कि शेख रशीद साहब को अस्पताल में रखा जाता, RIC में रखा जाता, बजाय इसके कि उनको जेल मुंतकिल किया जाता। बारह अब क्या किया जा सकता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब शेख रशीद साहब से ज़्यादा कौन जानता है कि कौन करवाता है। अब मैं आता हूँ वो बड़ी खबर पर। बड़ी खबर से पहले एक छुटकी खबर और भी है, वो कल की खबर थी, कल मेरे पास थी लेकिन वो पता नहीं क्यों सफ़र में हो बंदा तो फिर 400 चीज़ें होती हैं, फोकस एक तरह नहीं होता, कहीं मिलना जुलना, कोई इधर चला गया बंदा उधर चला गया, सैर व तफरी। तो हुआ ये, हमाद अज़हर साहब के लिए खबर थी कल, एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट की थी कि हमाद अज़हर साहब जो है ना, वो उनको पुलिस ने कर लिया था, पता कर लिया था कि हमाद अज़हर साहब कहाँ पर है, रेकी हो गई थी, ट्रेस कर लिया हुआ था, और वहाँ पुलिस बस पहुँचने ही लगी थी कि पता चल गया और उनको उनके जो साथी थे उन्होंने फरार करवा दिया। लाहौर नहीं, लाहौर का एक इलाका बताया जा रहा था, वो मेरे पास नोट्स भी थे, लेकिन बारह लाहौर में फिर वो वहाँ से हमाद अज़हर साहब जो है वो हो गए जाफरिया कॉलोनी, वो हो गए रफू चक्कर, फरार हो गए। बड़ी कोशिश की होगी पुलिस ने कि किसी तरह उनको रोके। बारह अच्छा, अब बड़ी खबर जो है ना, असल खबर ये है कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनने में एक और मुश्किल पेश आएगी उनको बनाने में, यानी जो रुकावटें थी ना, एक और बड़ी रुकावट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आने की वो सामने आ रही है। लेकिन जाहिर है उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि पीपुल्स पार्टी 80-90 क्रॉस कर जाए, 80-90 सीटों से, अगर 80-90 सीटें पीपुल्स पार्टी क्रॉस कर जाती है तो उस सूरत में पीपुल्स पार्टी को एक तावन मिलेगा और वो तावन होगा तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के लोग अभी, तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि जहां उनके उम्मीदवार तगड़े हैं, आजाद उम्मीदवार, वहां वो जीते, और जहां उनके उम्मीदवार कमजोर है वहां वो खामोशी से पीपुल्स पार्टी को वोट करवाएं। ये वो बात है, ये वो डेवलपमेंट है जो मैं आपको, जिसका खदशा 2-3 माह से करता आ रहा हूं। अगर PTI को इलेक्शन के मैदान से बाहर किया गया तो PTI के अंदर एक खौफ का एलिमेंट जो है वो उनको, उनके वोटर को पीपुल्स पार्टी की तरफ खींचेगा। मैं डेवन से ये बात कर रहा हूं, नजर आ रहा था ये होने जा रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि PTI के पास जो वोटर है उसमें मेजॉरिटी वोटर जो है
वो एंटी नवाज वोट है, वो कल्ट वोट नहीं है। वो नवाज शरीफ की नफरत में पीटीआई की तरफ चला गया। वो किसी जमाने में पीपुल्स पार्टी के साथ होता था, पीपुल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग आ गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीपुल्स पार्टी पंजाब से अपना खोती गई, अपना वो उरूज जवाल पजीर हो गई। तो वो एंटी नवाज वोटर जो था उसको कोई रास्ता चाहिए था, उसको कोई पनाह चाहिए थी, तो इमरान खान की शक्ल में मिल गई। अब इमरान खान की पार्टी जो उस तरह मैदान में नहीं है, उनके उनको पता है कि वो अगली हुकूमत बना नहीं सकते बतौर जमात, और यहाँ तक कि अब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के कवानीन हैं, जवाबित हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जी वो पीटीआई के आज़ाद अरकान जीत कर भी वो किसी पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर सकते और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि पीटीआई इलेक्शन के अमल से बाहर है और इस इलेक्शन के अमल का जो जितना भी जो रिजल्ट है, नतायज है, पीटीआई उनका समर हासिल नहीं कर सकती, उसको उसका फ्रूट नहीं ले सकती। तो ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन से आपको बाहर कर लिया गया और फिर ये कहा जाए कि जनाब ये जो 20 या 25 या 40 या 50 MLAs जो जीते हैं पीटीआई के सपोर्ट से, ये पीटीआई के खाते में आ जाएंगे, उनको लिख लें, ये नहीं होगा। ये खाता बंद है, इन इलेक्शन तक पीटीआई का खाता बंद हुआ हुआ है। तो पीटीआई को अंदाजा है कि वो हुकूमत में नहीं आएंगे। तो मैं ये गुजारिश किया करता था कि जब पीटीआई हुकूमत में नहीं आएगी, उनको पता है कि उनको इस बार ये इलेक्शन उनका नहीं है, कुछ भी कर लें, तो फिर वो जोर लगाएंगे कि इंतखाबात में आए। अगर उनको आखिरी वक्त पर ये पता चला कि नहीं, उनकी दाल नहीं गल रही, तो फिर वो नून लीग का रास्ता रोकेंगे। नून लीग का रास्ता रोकने के लिए उनको पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट वो करेंगे, और वो सपोर्ट पीपुल्स पार्टी की मोहब्बत में नहीं, वो सपोर्ट इस बार नून लीग की नफरत में नहीं, वो सपोर्ट इस बार होगी अपने जान बचाने के लिए। खौफ का एलिमेंट जो है वो कहीं कभी हमदर्दी का वोट होता है, खौफ का वोट होगा कि भाई अगर तो मुस्लिम लीग नून आ गई तो अगले 5 साल तो हम गए, हम बाद में कमर सीधी कर पाए ना कर पाए तो हम सिंधी में कहते हैं चेल चिबी, मतलब कमर टूट गई, कमर तोड़ देंगे ये। तो फिर तो बेहतर ये है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए नून लीग की हुकूमत रोको। तो नून लीग की हुकूमत रोकने के लिए पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट दो। पीपुल्स पार्टी को पीटीआई के साथ सरेआम इत्तेहाद किसी सूरत वारे नहीं है। जाहिर है पीटीआई के साथ इस वक्त जो हाथ मिलाएगा वो एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर, फिर ही बात है। तो पीपुल्स पार्टी ने, जो मैं गुजारिश करता था कि पीपुल्स पार्टी खामोशी के साथ उन हलकों में जहां पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार तगड़े हैं वहां पर पीटीआई से सपोर्ट लेगी, और अब खबर यह है कि पीटीआई ने वहां पर सपोर्ट देना शुरू कर दी है। तगड़े तगड़े हल्के पंजाब में 30-35 पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं तगड़े, वहां पर पीटीआई का अगर अपना तगड़ा कैंडिडेट नहीं है तो वहां पर पीटीआई सपोर्ट देगी पीपुल्स पार्टी को। दूसरी चीज ये कि पीटीआई इलेक्शन के बाद पीपुल्स पार्टी के साथ तावुन करेगी, यानी जो आजाद लोग जीत कर आएंगे वो आजाद ग्रुप की शक्ल में हो या फिर वो किसी और जमात में चले जाएं, लेकिन वो इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के साथ करेंगे। इस पर बातचीत भी चल रही है और इस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त भी हो गई है। और क्योंकि मैं बड़ा करीब से पिछले 2-3 माह से इस अमल को देख रहा था, जायज़ा ले रहा था, इवन पीटीआई के लोगों के साथ बात होती थी। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि पीपुल्स पार्टी का किरदार बड़ा मुस्बत है 9 मई के बाद। उससे पहले ही मैं बात करना शुरू हुआ हूं कि ये सारा कुछ होगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल भलवाल में बड़ा जलसा किया, नदीम अफजल चंद का उसमें था इलाके में, और उस जलसे में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी आजाद उम्मीदवारों को, आजाद अरकान कौमी असेंबली से मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, और एक लफ्ज ये था कि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून होगी अपोजिशन में, उनको अपोजिशन की तरफ धकेलेंगे। यानी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की जितनी भी खबरें थी ना, जिनको मैं शुरू से कहता था कि सिर्फ एक सूरत में पीपुल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठेगी कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी छोटे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजिशन में ना हो। अगर वो हुकूमत बनाने की पोजिशन में आ जाएगी तो फिर अपना मतलब पीपुल्स नून लीग अगर छोटी जमातों को लेकर हुकूमत बना ले तो पीपुल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाएगी। अगर पीपुल्स पार्टी छोटी जमातों को लेकर हुकूमत बना लेगी तो पीपुल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं बैठेगी, लेकिन अगर इन दोनों जमातों के मिले बगैर हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर एक कौमी हुकूमत बन जाएगी, उसमें फिर पीपुल्स पार्टी भी शामिल होगी। तो अब बिलावल ये कह रहे हैं कि जी हम नून लीग होगी अपोजिशन में,
यानी वो पहले ये कहते थे कि वजीर आजम हमारा होगा, जरदारी साहब ने कहा था ना कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, भूल लीग के वजीर आजम नहीं होंगे, हमारा वजीर आजम होगा। अब हमारा वजीर आजम होगा से ये था कि जैसे कोई इत्तेहादी हुकूमत ऐसी होगी जिसमें नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा, उसे तासुर ये जा रहा था। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, नून लीग बैठेगी अपोजिशन में। ये उनकी बात साबित कर पाते हैं इस दावे को, पीपल्स पार्टी उस पोजिशन में आती है कि वो अपनी हुकूमत बनाए, नहीं आती है एक अलग बात। लेकिन अभी तक जो जो एक मनसूबाबंदी है हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की, वो यही है कि पीटीआई के लोगों को साथ मिलाओ, पीटीआई को अपने साथ जोड़ो और हुकूमत बनाओ पीटीआई के अरकान के साथ और दीगर छोटे इत्तेहादियों के साथ मिलकर, और पीटीआई को अभी से अपने साथ जोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी ने रबते भी तेज़ कर दिए हैं। पीटीआई की तरफ से भी बहुत सी मुस्बत जो है वो उनको पीपल्स पार्टी को रेस्पॉन्स, बहुत सी जगह पर मुस्बत रेस्पॉन्स मिला। तो बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की सियासत में और इलेक्शन से पहले की डेवलपमेंट है। अभी चंद दिन और आपको इस तरह की खुलेआम, मतलब एक अभी तो ये सोर्सेज से अंदर की खबर है ना, अभी आपको बहुत कुछ खुलेआम तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।